हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सब्जी। वैसे तो आप राजमा, छोले, कढ़ी ये सब चीज़ें खा के कई बार हम बोर हो जाते हैं। आज मैं लाई हूँ बहुत ही बढ़िया लोबिया की दाल, जिसको हम रोंगी भी बोलते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। और मोर ओवर ये ग्लूटेन फ्री भी है और हेल्दी भी बहुत है, प्रोटीन्स भी बहुत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी वीडियोज हों आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लोबिया, जिसको पंजाब में यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसको हम रोंगी भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैंने इस तरह से एक कटोरी रोंगी ली है। इसको भिगोना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो इतनी सॉफ्ट नहीं बनती। ठीक है, इसको कम से कम हमें 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगोना पड़ेगा। तो मैंने इसको लोबिया को पहले ही 4 से 5 घंटे भिगो दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, लोबिया भिगो के किस तरह से ये फूल चुकी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जैसे कहते हैं ना ऑथेंटिक वे से, जिसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं। सो देखते हैं फटाफट से इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए लोबिया बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं इसमें लूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट उभर के आता है। आप चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब फटाफट से इसमें डालते हैं अपने खड़े मसाले। मैं इसमें डालती हूँ 3 से 4 इस तरह से काली मिर्च साबुत, बहुत अच्छा फ्लेवर उठ के आता है फ्रेंड्स। 3 से 4 लौंग, 2 बेलीफ, 1 टीस्पून जीरा, इसको हम हल्का सा सॉटे आने देंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी जिंजर और गार्लिक। हल्का सा सॉटे हुए, गैस का फ्लेम हम रखेंगे स्लो। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून गार्लिक चॉप किया हुआ, और जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते फ्रेंड्स, वो इसको स्किप भी कर सकते हो। बस हल्का सा हम सॉटे करेंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा ब्राउन होने पे फ्रेंड्स, ये देखो ये मैंने प्याज लिया है एक, उसी में हल्का सा अदरक और हरी मिर्च चॉप करके डाली थी। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारा जो मसाला है वो जलेगा भी नहीं। कई लोग अदरक और लहसुन इकट्ठे डालते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करूंगी प्याज के साथ डालना। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। हल्का सा प्याज, ये देखिए हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। मैं इसमें फ्रेंड्स सारे डालूंगी अपने मसाले। 1 टीस्पून देगी मिर्च यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है फ्रेंड्स इसमें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च पहले डाल चुके हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसको फटाफट से हम मिक्स करेंगे। मैं हमेशा फ्रेंड्स बताती हूँ, जब भी टमाटर डालना उससे पहले हमेशा अपने मसालों को डालिए, टमाटर का कलर बहुत बढ़िया उठ के आता है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी, आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हो। ये देखिए 2 से 3 टमाटर। अब इस मसाले को फ्रेंड्स हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब इसको कच्चा नहीं रहने देना, इसी में इसका टेस्ट उभर के आएगा। जिसे कहते हैं ना अच्छे से भुनाई करनी, बस वैसे करनी है, बस इसी में थोड़ी सी मेहनत है, फिर तो फटाफट से हमारी रोंगी बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भुज गया है। ठीक है, इसकी सरफेस पे देखिए अच्छे से घी आ गया। अब हम क्या करेंगे, रोंगी में मैं डालूंगी फ्रेंड्स, जैसे एक कटोरी रोंगी ली थी, मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको पहले भिगो रखा था। तो इसको सिर्फ 5 से 6 ही हम सीटियां देंगे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपने नहीं भिगोई तो उसको कम से कम 9 से 10 हमें विसल देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको एक बार स्टर कर लेते हैं, और इसको सिर्फ मैं 5 से 6 ही विसल दूंगी, और फिर फटाफट से रेडी हो जाएगी हमारी रोंगी। लो जी, लगाते हैं इसकी लेड। लेट्स सी फ्रेंड्स, 5 से 6 विसल आ चुकी है हमारी लोबिया यानी कि रोंगी, हुई है कि नहीं, होपफुली हो चुकी होगी। ओहो, कितना बढ़िया कलर आया, देखा, पता है इसमें फ्रेंड्स कितनी ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गर्मा गर्म हमारी लोबिया रेडी है। अभी ये फ्रेंड्स हल्की सी पतली है, हम इसको 5 मिनट खुले में इसको पकाएंगे। पकाना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, हल्का सा, क्योंकि ये पतला है, मतलब बहुत से लोग जो हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इसको राइस के साथ खाना है तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, बस हल्का सा ऊपर से क्रीम डालिए या मक्खन डालिए तो भी तैयार है। और अगर हल्का सा आप इसको रोटी के साथ या किसी भी तंदूरी मतलब परांठे के साथ खाना चाहते हो, तो इसको थोड़ा सा थिक करना बहुत जरूरी है। इसको 5 मिनट उबालने के टाइम फ्रेंड्स, इसमें साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला, बहुत ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हम ऑलरेडी खड़े मसाले डाल चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सिलेंट्रो यानी कि धनिया के पत्ते। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, और ये तो वैसे भी हमारे वेजिटेरियन फूड की जान है। पता है रोज रोज वही राजमा और छोले खा खा कर भी हम कैसे गर्मियों में बोर हो जाते हैं। और इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप घर पे ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक, मोर ओवर हेल्दी भी है, और जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लो जी, गर्मा गर्म रेडी है हमारी लोबिया, यानी कि जिसको बहुत से लोग रोंगी भी बोलते हो। चाहे तो इसको जीरे वाले चावल के साथ खाओ, चाहे तो फिर इसको सिंपल हाथ लगी जो रोटी होती है ना फ्रेंड्स, तंदूरी रोटी, ओहो क्या मजा आएगा फ्रेंड्स। और हेल्दी पता है कितनी है ये, बहुत ही ज्यादा। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ, और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा।